हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय एग्जाम। आई एम अवनीश शर्मा। टुडे वी डिस्कस ईएससी प्रीवियस ईयर। ये पार्ट थर्ड है सोयल मैकेनिक्स का। इससे पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ा चुका हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, जो ईएससी के प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं ना 1995 से 2018 तक, वो सारे डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है ना, अब एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है और आपको सारे क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो किसी भी एग्जाम में आए, वो जेई में आए, ए में आए, कहीं भी आए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है। वो कह रहा है कि सोल हैज लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिक्विड लिमिट लिखते हैं डब्ल्यू एल इक्वल्स टू 45%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। लाइज अबाउ ए लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। द ग्रुप सिंबल ऑफ ए सोल एज पर आईएस क्लासिफिकेशन। पहले हम आपको बताते हैं कि जो जब हम सोल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सोल को पढ़ते कैसे हैं। हमेशा सोल को हम पढ़ते हैं इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे हाई कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट क्ले, लो कंप्रेसिबल क्ले और इसका इंटरमीडिएट सिल्ट। जो एम होता है उसको हम सिल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका सी होता है उसको हम क्ले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अब बात आती है कि प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है। प्लास्टिसिटी चार्ट वो चार्ट होता है कि आपकी जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है ना, दो तरह की सॉइल होती है, एक तो कोर्स ग्रेन सॉइल होंगी, एक फाइन ग्रेन सॉइल होंगी, जो साइज पर डिपेंड करेंगी। जिनका साइज 2 माइक्रोन से छोटा होता है, जिससे लेस देन 2 माइक्रोन, वे साइज सारी क्या होती है, बेसिकली वो क्ले होती है, ठीक है। इससे इसके बीच में होती है वो सिल्ट होती है फिर, ठीक है। दो तरह की सोल होती है, फाइन ग्रेन सोल दोनों होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम सोल क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्लास्टिक चार्ट बनाते हैं फॉर फाइन ग्रेन सोल। क्या होता है मैं बताता हूँ। प्लास्टिक चार्ट में ये आपका ग्राफ बनता है, यहाँ पे आपकी लिखी होती है लिक्विड लिमिट और यहाँ पे लिखा हुआ होता है आपका प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है। तो एक लाइन बनती है, वो लाइन की वैल्यू 0 होती है एट 20 लिक्विड लिमिट पे। और फिर ओके अभी मैं क्लियर करते हैं, दोबारा बनाते हैं। ये आपका है, ये स्ट्रेट लाइन दोनों दोनों, ठीक है। यहाँ पे आपकी होती है लिक्विड लिमिट और यहाँ पे होता है आपका आईपी। फिर क्या होता है, यहाँ से आपका एक लाइन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होती है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे होता है 20, फिर कहीं पे 35 और 50 होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किस में, ग्रुप में। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये आपका हो गया सेकंड ग्रुप और ये आपका हो गया थर्ड ग्रुप, ठीक है। और ये जो ए लाइन होती है इसकी इक्वेशन होती है आईपी के टर्म में। क्या इक्वेशन होती है आईपी के टर्म में, वो होती है आईपी इक्वल्स टू 0.73 डब्ल्यू एल माइनस के 20, ठीक है। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छिपे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी ए लाइन है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक चार्ट और ये फाइन ग्रेन सोल के लिए यूज की जाती है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन होती है इसकी जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें हम लिखा जाते हैं क्ले को लिखते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें हम लिखते हैं सिल्ट को। याद रखेंगे हमेशा कि ऊपर वाले पार्ट में क्ले को लिखते हैं और नीचे वाले पार्ट में लिखते हैं सिल्ट को, ओके। यदि आपने इतना समझ लिया है तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है लो कंप्रेसिबल क्ले और जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें आपका होता है इंटरमीडिएट क्ले और जो थर्ड वाला पार्ट होता है उसमें होता है हाई कंप्रेसिबल क्ले, ठीक है। अब वही कह रहा है कि सोल हैज अ लिक्विड लिमिट 45%। तो 45% का मतलब ये आपका लिक्विड लिमिट है, तो 45% का मतलब ये है कि वो 35 और 50 के बीच में आएगी, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग्स, अब वो कह रहा है कि ये जो लाइन है प्लॉटेड की गई है, जो आपके लिक्विड में प्लॉटेड की गई है ए लाइन पे, वो अबव द ए लाइन है। यदि अबव द ए लाइन है तो क्या होगा, फिर वो क्ले ही होगी। और 35 से 55% के बीच में लाई कर दी है, उसका मतलब ये है कि वो क्या है, आपका क्ले है और वो इंटरमीडिएट क्ले है, ओके। तो क्या आंसर हुआ इसका, इसका आंसर हुआ बी, गॉट इट। तो सबसे पहले आपने क्या क्या समझा, सबसे पहले आपने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिक्विड लिमिट, व्हाट इज अ, ठीक है, आपका प्लास्टिक इंडेक्स में जो आईपी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर लाई करता है तो क्या होता है, नीचे लाई करता है क्या होता है, ठीक है। सो मैं आपका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो सीधा आपका हो जाएगा कि जो बी ऑप्शन है वो सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके गाइस। क्या पूछा हुआ है, ये 997 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको डाई डेंसिटी दी हुई है, तो डाई डेंसिटी कैसे लिखते हैं, हम डाई डेंसिटी लिखते हैं गामा डी से। वो आपका फॉर्मूला होता है 1.5 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब क्या करना है, इफ ए सैचुरेशन वाटर कंटेंट वाज 50%, सैचुरेशन वाटर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, और सैचुरेशन वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। एस क्या होता है, एस होता है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन,
जिसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है रिवर्स सैचुरेशन का, वेट ऑफ वाटर अपन द और अपन द, या फिर ऐसे ले सकते हैं कि वॉल्यूम के टर्म में ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका होता है रिवर्स सैचुरेशन, एस। ओके, अब इसमें आपको गामा डी दिया हुआ है, आपको वाटर कंटेंट दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी, तो गामा सेट, पहले आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ गामा टी होता है, गामा टी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी, यहाँ पे गामा डी और यहाँ पे गामा टी अपन वन प्लस के डब्लू, ठीक है। तो यहाँ से गामा टी कितना होगा, गामा टी आपका होगा गामा डी वन प्लस के डब्लू। ओके, अब उसने कहा है कि अब हमें निकालना है इफ ए सैचुरेशन वाटर कंटेंट का 50%, तो इसको हम गामा सेट कर सकते हैं, गामा सेट इक्वल्स टू गामा डी वन प्लस के डब्लू, आपको गामा डी दिया हुआ है, गामा डी आपको दिया 1.5 और वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है 50%, तो 1 प्लस के 0.50, ठीक है, परसेंटेज में नहीं रखेंगे सीधा रख देंगे 0.50। ओके, तो यहाँ से आपका गामा सेट की वैल्यू कितनी आएगी निकालो, तो गामा सेट की वैल्यू आपकी आएगी सीधा, ठीक है, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि आप इसको कैलकुलेशन आराम से कर लें, ठीक है, 2.25, नहीं तो इसके लिए कैलकुलेटर निकालोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम निकालना, तो आपका होगा 2.25 ग्राम पर सीसी, तो ये आपका गया गामा सेट। अब हमें क्या निकालना है, हमसे दो चीज़ पूछी है, 2.25 हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वैसे एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए क्योंकि इससे बहुत बहुत टाइम बचता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि शुरू में गामा सेट पूछा है तो गामा सेट में 2.25 आना चाहिए, 2.25 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट मैं आपको गामा समझ में निकाल दिखाता हूँ क्योंकि आगे किसी क्वेश्चन में आपसे गामा समझ निकलवा सकता है वो, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ गामा समझ, गामा समझ क्या होता है, गामा समझ होता है गामा सेट माइनस गामा डब्लू, गामा सेट आपको पता है 2.25 और गामा डब्ल्यू की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जब भी आपसे ग्राम पर सीसी में पूछा तो आप जो गामा डब्ल्यू की वैल्यू होगी वो होगी 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, तो आपको जगह 1 तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.25 ग्राम पर सीसी। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके गाइस, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर दे जाते हैं, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बनने चाहिए कि गामा समझ क्या होता है, गामा सेट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा टी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन क्यूबिक मीटर्स टू बी एक्सक्वेटेड फ्रॉम अ बोरो पिट विल बी, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ना बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है, यदि आपने इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना तो ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। एक बात समझो, ठीक है, जब हम सोल को पढ़ते हैं ना, जब स्टार्टिंग में हम सोल को पढ़ते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट वाले बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि ना जब हम सोल को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, सोल को हम डिवाइड करते हैं टू फेज सिस्टम में और थ्री फेज सिस्टम में, क्या होता है टू फेज थ्री फेज, कि आपका यहाँ पे होता है सॉलिड, फिर यहाँ पे आपकी होती है वाटर और होता है एयर, ठीक है। हमेशा रखना कि जो सॉलिड होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा या फिर वेट ऑफ सॉलिड होगा, वो ना कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो हमें सेम रहेगा, ठीक है। अब बात कर, अब उसने अब ये बात हमेशा रखना कि ना आप एयर को कम कर सकते हो, वाटर कम कर सकते हो, वाटर को बढ़ा सकते हो, लेकिन जो सॉलिड होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है सॉलिड के स्ट्रक्चर पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, उसके अंदर एयर भर जाएगी तो उसकी चेंज हो जाएगा, वाटर भर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। अब क्या बात कर रहे हैं, अब क्या रहे हैं, आप एक होता है आपका बोरोपिट, क्या होता है बोरोपिट, बोरोपिट आपका क्या होता है कि जहां से आपके सोल को एक्सक्वेटेड करे होते हैं उसको हम बोलते हैं बोरोपिट, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि हाँ से आपने कुछ सोल को आपने एक्सक्वेट किया और फिर उसका एक कुछ बना दिया है ना, जैसे कि फिल बना दिया, जैसे आपने कोई इम्बैकमेंट बना दिया, ठीक है, और आपको उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, आपके उसको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इन मीटर क्यूब, ओके, और आपको इसका वॉइड रेशियो भी दिया हुआ है 0.8। अब आपको पता है कि जो वॉइड रेशियो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब हमें वॉइड्स तो पता नहीं है, यदि मैं दोनों तरफ 1 प्लस कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, v अपॉन वी एस, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम सॉलिड, तो ऐसे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकाल सकता हूं, ये कितना होगा v अपॉन 1 प्लस के e, ये आपका आया फिल का जो आपने एम्बैकमेंट बनाया। ऐसे ही बोरोपिट का निकाल सकता हूं, तो बोरोपिट का जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलेगा वो v अपॉन 1 प्लस के e बोरोपिट, मेरे पास दोनों निकल गए हैं, ठीक है, एक ये रहा आपका और एक आपका ये रहा। अब मैंने बताया कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा ना वो हमेशा सेम ही रहेगा, तो मैं इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकता हूं, तो यदि मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो देखो क्या आंसर आएगा, v अपॉन 1 प्लस के e ऑफ बोरोपिट इक्वल्स टू v अपॉन 1 प्लस के e फिल, ठीक है।
आपको क्या, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ फिल निकालना है कि एक्सक्यूटिव फिल नहीं, बोरो पिट का निकालना है कि आपने जो आपकी सोयल है कितनी एक्सक्यूवेट की है। ओके तो आपको ये भी निकालना है। तो यदि आपको ईवी निकालना है, हाँ देख सकते हैं वैल्यू आपको बोरो पिट कितना दिया हुआ है, वॉइड रेशियो 1.4 दिया हुआ है, 1+ के 1.4 बोरो का, ठीक है। और ये बोलना आपको दिया हुआ है 1500/1+ के 0.8 यह आपका होगा फिल। यदि आप यहाँ सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ बोरो पिट मिल जाएगा, तो ये आपका कितना होगा, करो सोल्व आपने अपने आप करो हाथ से, ठीक है। बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज मत करो क्योंकि ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होगी होती है, आप नहीं करोगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2000, ठीक है। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सोयल रिक्वायर्ड फॉर क्यूबिक मीटर टू बी एक्सक्यूवेटेड। ओके सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके गाइस सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट क्ले इज सोइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज इज फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू। आपकी जो सोइल की जो आपकी मॉइस्चर कंटेंट है ना वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम द लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। इस क्वेश्चन हम करते हैं बाय द कंसिस्टेंसी चार्ट, इसको हम बोलते हैं एटरबर्ग लिमिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, एटरबर्ग लिमिट, ठीक है। एटरबर्ग लिमिट थी, उसने आपको एक चार्ट दिया था, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक चार्ट। ओके तो ये था चार्ट, ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। दोबारा से बनाते हैं, इट इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ आपका होता है सॉलिड, यहाँ पे आपका होता है सेमी सॉलिड, यहाँ पे आपका होता है प्लास्टिक और यहाँ पे आपका होता है लिक्विड, ठीक है। ये आपका होता है श्रिंकेज लिमिट, ये आपका होता है प्लास्टिक लिमिट और ये आपका होता है लिक्विड लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे आपका होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक, वॉल्यूम ऑफ है ना लिक्विड, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है इट इज डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू। यदि वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लार्ज वैल्यू तो इसका मतलब ये है कि वो इधर के साइड चल रहा है अब, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएंगे विट इज अ करेक्ट सिक्वेंस ऑफ अक्रेंस, तो सबसे पहले क्या होगा, लिक्विड लिमिट आएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा प्लास्टिक, फिर आपका होता है श्रिंकेज लिमिट। ये होगा इसका सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड होगा, प्लास्टिक होगा, लिक्विड होगा। इसमें एक चीज याद रखेंगे कि जो श्रिंकेज लिमिट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं कि श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट हमेशा याद रखेंगे कि उसके बाद यदि आपने कुछ भी वॉल्यूम में चेंज करा है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। मतलब एस की वैल्यू श्रिंकेज लिमिट पे 1 होती है कि यदि आपने इसके वाटर कंटेंट को और कम किया, ठीक है, यदि आपने इसके वाटर कंटेंट को और कम किया तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो वो होती है श्रिंकेज लिमिट डब्ल्यू एस। ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं करता हूं भाई वेटेड एवरेज। कैसे करते हैं वेटेड एवरेज से, आपको पता है कि मान लो कि ना कि जो आपका प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ लोकल सॉइल है ना उसकी जो क्वांटिटी है वो मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स, ठीक है, फॉर द लोकल सॉइल। किसके लिए, लोकल सॉइल के लिए। और जो आपका प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सैंड रखा है तो उसकी जो क्वांटिटी ऑफ द सॉइल है उसको मैं मान लेता हूं वाई, ठीक है। तो बाय द वेटेड एवरेज जो आपको डिजायर्ड पीआई है वो 6 है, ठीक है। तो डिजायर्ड पी आई 6 है, तो 6 इक्वल्स टू प्लास्टिक इंडेक्स आपको दिया हुआ लोकल सोयल का 15 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स आपको सैंड का दिया हुआ है 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस की वाई, क्योंकि मुझे आपका डिजायर्ड पी आई निकालना है, ठीक है। तो मैंने एक्स प्लस वाई से डिवाइड दे दिया है। ओके तो यदि आप यहां से निकालोगे तो यहां से आपका होगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 16/15 कर दो से, ठीक है, तो ये होगा 2/5। अब उसने कहा है कि द परसेंटेज ऑफ सैंड इन ए मिक्स, अब परसेंटेज ऑफ सैंड पूछा उसने, ये तो क्या है परसेंटेज ऑफ द लोकल सोयल आया, ठीक है। यदि मैं इसको वन में से माइनस कर दूं, वन में से माइनस कर दूं तो ये आपका हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3/5, तो ये हो गया 60%। ओके तो ऐसे करेंगे वेटेड एवरेज से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो उसका क्वेश्चन है रीजनिंग क्वेश्चन है ना, एप्टीट्यूड में बहुत यूज होता है वेटेड एवरेज, कि ये पास इंडेक्स दिया हुआ है लोकल सोल का 15 एंड द पास इंडेक्स ऑफ सैंड दिया हुआ है 0,
तो डिजायर्ड 6 है, तो अब लेकिन कस्टम परसेंटेज सैंडविक्स, तो इट इज 60%। ओके गाइस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 0.1 कैसे कैसे याद रखेंगे, तो हमें याद नहीं रखना है, हमें क्या समझना है कि हमारे पास बहुत सारी सोल होती है, बहुत सारे टाइप की, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो परमेबिलिटी होती है सोल की, कौन सी परमेबिलिटी, किस सोल की परमेबिलिटी सबसे अच्छी होती है, वो होती है आपका ग्रेवल, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। और जो मैक्सिमम परमेबिलिटी होती है, और जो क्ले सोइल होती है उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो आपको होती है मिनिमम परमेबिलिटी होती है, मिनिमम होती है क्ले की। तो वही लगा रहे यहाँ पे, जो ग्रेवल होगी सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी होगी, सबसे ज़्यादा कौन वैल्यू क्या है इसमें, तो वैल्यू है 100 to 1000, तो 1 और 3 होने वाला है, 1 और 3, तो ऑप्शन सी और डी में से एक हो सकता है, ठीक है। द बाय एलिमिनेशन मेथड आपने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जो आपने ये सीख लिया ना तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आपको पता चलेगा कि ए का 3 है और ये सी और डी में आ रहा है। अब आपकी बात आती है प्योर किले की, हमने बताया कि उसकी मिनिमम परमेबिलिटी होती है, मतलब कि यहाँ तक कि सैंड और सिल्ट से भी बहुत कम होती है परमेबिलिटी, क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, है ना। तो उसकी परमेबिलिटी की जो एबिलिटी होती है ना सॉइल की, वो बहुत ही कम होती है। तो प्योर किले की परमेबिलिटी सबसे कम होगी, सबसे कम वैल्यू क्या है, तो टाइम पर माइनस 5 से टाइम पर माइनस 6 जो है ये वैल्यू सबसे कम है, तो डी का होगा 4। सो डी का 4 किस में है, डी में है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि सबसे जो मैक्सिमम परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इज आपका जो ग्रेवल सॉइल होता है वो आपकी मैक्सिमम परमेबिलिटी देता है, और जो आपकी क्ले होती है वो आपकी मिनिमम परमेबिलिटी देता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पैक्शन पैरामीटर्स एंड द एटरबर्ग लिमिट्स, ठीक है। तो अब समझो इस बात को कि जो क्ले सॉइल होते हैं ना, इस इज मोर सेंसिटिव, सबसे जो सेंसिटिव क्ले होती है आपकी जो सॉइल होती है, तो पूछेगा कि सबसे सेंसिटिव कौन सी सॉइल होती है, तो क्ले सॉइल होती है, ठीक है। और यदि आपने उसको रिमोल्ड कर दिया है ना, आप उसको लेके आए, उसने आपने उसको रिमोल्डिंग किया, तो क्या होता है कि ना वो उसमें ना चेंज, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें चेंज होता है, ड्रास्टिकली चेंज होता है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि यदि आपको क्ले सॉइल चाहिए और आपको उसको स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आपको एक अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए। यदि आपने उसको डिमोल्ड किया तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वाटर कंटेंट एकदम चेंज हो जाएगा उसमें। ओके, तो वो आपका होता है क्ले। अब मैं सारे जो ऑप्शन है वो देता हूँ, उसका जो आंसर है वो बी है। पहले आप इस मान लो बी इज करेक्ट आंसर। आप समझते हैं कि सीएस स्ट्रेंथ ऑफ सैंड का क्या मतलब होता है। सीएस स्ट्रेंथ ऑफ सैंड में क्या होता है, यदि आपने सोल को डिस्टर्ब भी कर दिया ना, तब भी उसकी जो सीएस स्ट्रेंथ है वो रहेगी, ठीक है। तो सीएस स्ट्रेंथ ऑफ सैंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिमोल्डिंग, ये बात याद रखेंगे। अब डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पैक्शन पैरामीटर, आपको पता है कि जब कॉम्पैक्शन पढ़ा होगा तो उसमें एक टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मोशन कंटेंट, ठीक है। कि वो मोटर मशीन का कंटेंट क्या होता है, कि वो वाटर कंटेंट जिसपे हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो सके, वो होता है आपका ऑप्टिमम मोशन कंटेंट। तो क्या होता है, यदि आपने ऑप्टिमम मोशन कंटेंट किया तो क्या करते हैं, तो ड्राई डेंसिटी अचीव करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो भी लेबोरेटरी में करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम डिस्टर्ब सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टर्ब सैंपल पर करते हैं। ओके, अब है एटरबर्ग लिमिट के बारे में। सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें होता है कि एटरबर्ग लिमिट तो क्ले पे हो रहा है, ठीक है, तो अनडिस्टर्ब सैंपल क्यों चाहिए, कि जो एटरबर्ग लिमिट होता है उसमें हम लिक्विड निकालते हैं, प्लास्टिक लिमिट निकालते हैं। तो क्या करते हैं, हम सैंपल लाते हैं, उसमें वाटर को मिक्स करते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, इसमें हमें डिस्टर्ब सैंपल चाहिए होता है। जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक लिमिट निकालते हैं, उसमें हम क्या बनाते हैं, रोल करते हैं उसको, है ना, उसकी थ्रेड बनाते हैं 3 mm की, उसको रिमोल्डिंग होने लगता है, तो उसमें क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को मिलाते हैं। तो उसको वाटर कंटेंट मिलाया तो उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो गई, तो वो डिस्टर्ब हो गई। तो यदि आपको सैम्पलिंग करनी है, आपको स्ट्रेंथ करनी है, तो आपको सीएस स्ट्रेंथ ऑफ क्ले इज डिटरमाइंड बाय द अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेल ग्रेडेड सोइल, वेल ग्रेडेड जो सैंड होती है ना, सोइल को सैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सोइल होते हैं जिसमें सारे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, मतलब सारे पार्टिकल के साइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं, सारे साइज के पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो आपका होता है वेल ग्रेडेड सैंड। एक होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड, उसमें क्या होता है, एक ही साइज के पार्टिकल होते हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड जो सैंड होती है बहुत अच्छी होती है। अब क्या करते हैं, जो आपका कोर्स ग्रेन सोइल होती है ना, आपको पता है जो सैंड है वो कोर्स ग्रेन सोइल है, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन जो सोइल होती है उसका जो हम डिटरमिनेशन करते हैं, वो करते हैं बाय द फाइनेंस। क्या करते हैं, जो आपका कोर्स ग्रेन सोइल होती है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय द फाइनेंस। तो जब फाइनेंस जो होता है वो लेस देन 5% होता है, तो आपका जो होता है कोफिशेंट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशेंट सी यू, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है, और जो सी सी होता है इसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है, ठीक है।
और जो सी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d60/d10, और जो सी सी होता है उसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर, उसका फॉर्मूला होता है d30² / d60 × d10। ओके, अब उसने बात करी यहाँ पे इफेक्टिव साइज इज ग्रेटर देन 1 mm, इट इज रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है। तो क्या होता है ना, जब हम सोलर ग्लास फिल्म करते हैं तो यहाँ पे आपका होता है 4.75 mm, और यहाँ पे आपका होता है 75 माइक्रोन, और यहाँ पे होता है आपका 2 माइक्रोन, और ये नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन लेस देन, ये होता है आपके फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन, और यहाँ पे आपका होता है ऊपर से कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल वो सॉइल होती है, इज दैट सॉइल विच रिटेन्ड मोर देन 50%, ठीक है, वेट ओने 75 माइक्रोन सीव। ठीक है, जो 50% से ज्यादा है ना, इट इज मोर देन 50% जो रिटेन हो सके 75 माइक्रोन सीव पे, उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। क्या बोलते हैं? इट इज कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, तो इसने पूछा इफेक्टिव साइज इज ग्रेटर देन 1 mm, इट इज रॉन्ग। ये वो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, यदि 75 माइक्रोन से जो ऊपर के पार्टिकल हैं वो रिटेन्ड हो पाए 50% से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल, और कोर्स ग्रेन जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल होती है। ओके, सो ऑप्शन जो थर्ड है वो तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दोनों फॉर्मूले याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 होता है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। एक क्ले सोइल हैज अ लिक्विड लिमिट WL, प्लास्टिक लिमिट आपको दी हुई है W एंड द WP है, ठीक है, एंड द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज W, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। आपको पता है जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है ना, दो तरह के इंडेक्स होता है, एक आपका होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, एक होता है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और जो दोनों का सम होता है कंसिस्टेंसी प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू होता है 1। याद रखेंगे इस बात को कभी वापस, क्योंकि एक फोन पे आपको याद होगा तो दूसरा आप निकाल सकते हो आराम से। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि लिक्विड लिमिट माइनस के नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन WL माइनस के WP, जो आपका होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स से हमें पता चलता है कि जो आपका सोइल है वो आपका सोलिड फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, जो उसके पार्टिकल पास पास आ रहे हैं वो सोलिड फॉर्म में जा रहा है, मतलब जितना कंसिस्टेंट होगा ना आपका सोइल वो उतना सोलिड फॉर्म में हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को। और लिक्विडिटी का मतलब यह है कि लिक्विड लिमिट की तरफ जा रहा है, तो जितना लिक्विड ज्यादा होगा लिक्विडिटी इंडेक्स वो क्या होगा, आपका सोइल फ्लूइड फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या ऑप्शन का सही है? WL माइनस के W अपॉन WL माइनस के WP। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके गाइस, एंड एस इज अ डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन सॉइल पूछा इसने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिल्कुल बेसिस से देखते हैं। ठीक है, तो जो आपका गामा होता है वो आपको पता है, गामा टी रिस्क गामा जी प्लस के एस सी गामा डब्लू अपन 1 प्लस के ई होता है। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ES इक्वल्स टू WG होता है, पुट कर दो इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गामा जी प्लस के WG गामा W। ठीक है, और नीचे पुट कर दो E की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस के WG बाय S। ठीक है, और यदि आप यहाँ से S की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो वो S की वैल्यू आएगी W वाटर कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट अपॉन द गामा W अपॉन गामा 1 प्लस के W माइनस के 1 अपॉन जी। ठीक है, तो यदि आप ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो 2 मिनट में हम डिस्क्राइब भी कर सकते हो उसको, है ना, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है इसका। यहाँ से आपका S इक्वल्स टू W अपॉन गामा W बाई गामा 1 प्लस के W माइनस के 1 अपॉन जी। सो ऑप्शन ये आपका बी ऑप्शन है, और ये आपका डी ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके गाइस, तो सिंपल सा है, बहुत लोग उससे डरे होते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन फॉर्मूला कैसे आप करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, गामा टी जी प्लस के एस सी अपॉन गामा डब्ल्यू 1 प्लस के ई होता है, वहां से ई एस को डब्ल्यू जी यहाँ पे एस पुट कर दो। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू गामा डब्ल्यू बाई गामा 1 प्लस के डब्ल्यू माइनस के 1 अपॉन जी आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें हमने आपको वीडियो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के आगे आपको एक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और आप इसकी जो प्रिपरेशन वो अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, और आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, और हम वीडियो बनाएंगे
हफ्ते में तीन, हम हफ्ते में 4 से 5 वीडियो आपको देंगे जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए रिंग बजाएं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।